हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 15th and 16th October जयपुर में ट्रेनिंग है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ईयर की ये लास्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद अब जनवरी या फरवरी में होगी, तो जयपुर वालों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास एक दो सीट्स अवेलेबल है और ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के अलावा हमारा एक अकाउंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उस पर अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है। देखिए, हमने बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अकाउंट निकाला है, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अकाउंट आपका सेटअप करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अमेजोन US में आपकी शिपमेंट भी डिलीवर करवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे पास पेड टूल्स होते हैं, तो हम उसमें कीवर्ड रिसर्च करेंगे आपके प्रोडक्ट्स का, वो कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करेंगे आपके प्रोडक्ट्स में, अपडेट कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, प्लस लिस्टिंग करेंगे, वीडियोस अपडेट करेंगे, आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपका ब्रांड स्टोर बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना होता, ये अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो आप टीम से इंक्वायर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट exportwala.com पे भी सारी चीज़ें मेंशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि सर, हमारे पास ऑर्डर आ गया है, व्हाट्सअप से आ गया, इंस्टाग्राम से आ गया, अभी बायर ने हमको मनीग्राम से पेमेंट कर दिया, या क्या मैं वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ? ऐसी बहुत सारे और टूल्स भी है, एक जोलो करके है, पेपल का टूल है, तो इनके थ्रू क्या मैं पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता हूँ? वो लीगल पेमेंट तरीके हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के एक्सेप्ट करने के? देखिए, ये बिल्कुल भी करेक्ट वे नहीं है। ये रिटेल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली आपको भेज रहा है मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कमर्शियली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनी के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये गलत तरीके हैं पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। तो सही तरीके क्या है, आप अपने बैंक के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड जो होता है उसको बायर को शेयर करके स्विफ्ट कोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो आपके बैंक में आएगी। अगर आपको ऑफिशियली दूसरे पेमेंट गेटवे यूज करने, तो आप पेपल यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने पर, देखिए यहाँ पे पेपल हो गया, स्ट्राइप हो गया, इस तरह के जो टूल्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये जो टूल्स हैं, इसमें आपका अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पेपल देता हूँ, तो पेपल में लोग क्या करते हैं, अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं, अपने आधार कार्ड के बेसिस पे अपने इंडिविजुअल नाम पे एक अकाउंट बना लेते हैं और उस पर एक्सपोर्ट की पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको पेपल अकाउंट बनाना है अपने कंपनी के नाम पे, बिजनेस अकाउंट के नाम पे, और वहां से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, वो करेक्ट वे है। अगर आप अपनी वेबसाइट या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में कोई आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, या इंडिया मार्ट या किसी भी साइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहा है और पेमेंट्स आप ले रहे हैं, तो करेक्ट तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है। पेमेंट लेने के बाद आपको प्रॉपर अपने आईसी कोड पे उसको एक्सपोर्ट करना है, सारे करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, सारे इनवॉइसिंग करेक्ट करनी है, और फिर आपको FIRC PRC वाला पूरा प्रोसेस करना है। आइदर LUT में कर सकते हैं या IGST में कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एंड टू एंड करेक्ट करनी है। तो ये सही तरीके से करिए, क्योंकि नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास डेली, काफ़ी लोगों की मेल्स आती हैं कि सर, RBI से नोटिस आ गया, ये पेमेंट हमने एक्सेप्ट करी थी FEMA की गाइडलाइंस, तो RBI से नोटिस आ गया, बैंक ने नोटिस भेज दिया कि ये पेमेंट हमने गलत एक्सेप्ट करी थी, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था, बायर ने ऐसा पेमेंट भेज दिया। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये सब गलत है। फिर वो नोटिस आते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर प्रॉपर तरीके से आपने नहीं भेजा तो वो प्रॉब्लम होती है उसमें। तो आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है और करेक्ट वे में पेमेंट लेना है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है वेस्टर्न यूनियन, तो बिल्कुल गलत तरीका है, वेस्टर्न यूनियन से आपको एक्सपोर्ट पेमेंट्स नहीं लेनी है। सो आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसी तरह वीडियोस के लिए आपकी और भी जो क्वेरीज है यूट्यूब पे डालिए, जो ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जिस टॉपिक पे, उस पे फिर मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आइदर आप बैंक के थ्रू लीजिए या पेपल के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करिए एक्सपोर्ट्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।